कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। आज की कहानी में साइंस की बात मैं एंड में करूंगा, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल साइंस की यानी कि सियासत की बात करेंगे। दोस्तों, सियासत भी साइंस से अलग नहीं है। यहाँ पर कभी एक दूसरे के दुश्मन भी अपने सियासी फायदे और जरूरत के लिए मिलजुल कर सरकार बना लेते हैं, और इसके कई एग्जाम्पल रह चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बीजेपी और पीडीपी की सरकार, यूपी की बीजेपी बीएसपी की सरकार, और फिर यूपी की बीजेपी सपा सरकार, और बिहार में पिछले 10 सालों के जेडीयू आरजेडी और बीजेपी के खेल को तो आप देख ही रहे होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 25 अगस्त साल 2003 यूपी की राजधानी लखनऊ में सियासत के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। इसी दिन कुछ ही महीने पुरानी मायावती और बीजेपी की साझा सरकार खत्म हो गई थी। यूपी के बीजेपी नेता लगातार अपने आलाकमान लोगों से कह रहे थे कि मायावती की सरकार के चलते हमारा जनाधार घटता जा रहा है, इस सरकार को चलने नहीं देना चाहिए। उधर अटल बिहारी वाजपेयी खेमे की यह दलील थी कि मायावती के साथ रहने से दलित वोटों का जुटान हमारे पक्ष में होगा और इसका फायदा हमें साल 2004 के लोकसभा चुनाव में होगा। लेकिन जब मायावती की अति हो गई तब बीजेपी ने भी मन बना लिया। मायावती को बीजेपी के इस फैसले की भनक लग गई और 25 अगस्त को मायावती ने खुद ही विधानसभा के भंग होने की सिफारिश राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री से कर दी। मायावती को अंदाजा हो गया था कि इसके बावजूद बीजेपी उनके साथ समझौता करना चाहेगी और लोकसभा चुनावों तक राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगा रहेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। खारखाई बीजेपी ने पलटवार किया और मायावती की राजनीति को खत्म करने के लिए चुना मायावती के जानी दुश्मन मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव जो 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1993 में दोबारा मुख्यमंत्री बने बसपा के साथ, और एक बार फिर उन्हें केंद्रीय सत्ता का सुख भी मिला जब वो केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री रहे। लेकिन इस सबको 6-7 साल बीत चुके थे। मुलायम सिंह की पार्टी और मुलायम सिंह का संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि संगठन को चलाए रखने के लिए सत्ता की ताकत की जिस गोंद की जरूरत होती है वो खत्म हो चुकी थी। बीजेपी और आरएसएस की आलाकमान से इशारा पाते ही मुलायम सिंह यादव ने गवर्नर के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, बावजूद इसके कि सपा के झंडे तले सिर्फ 125 के लगभग ही विधायक थे। लेकिन मुलायम की इस मुहिम में 3 लोग उनके साथ थे, वो 3 लोग जो कभी उनके राजनीतिक विरोधी रहे थे, मुलायम सिंह के साथ थे। राष्ट्र क्रांति पार्टी के कल्याण सिंह, वही कल्याण सिंह जो कभी बीजेपी के पोस्टर बॉय हुआ करते थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के हीरो हुआ करते थे, वही कल्याण सिंह जो बीजेपी की तरफ से 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। मगर कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के झगड़े के बाद बीजेपी से अलग हो चुके थे और अपने दल के सहारे यूपी में नए सिरे से राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुलायम सिंह के दूसरे साथी थे चौधरी अजीत सिंह, वही चौधरी अजीत सिंह जिनके पिता चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह को राजनीति करना सिखाया था। अजीत सिंह और मुलायम सिंह लंबे समय तक राजनीतिक विरोधी रहे, लेकिन नई सेंचुरी की शुरुआत में उन्हें समझ में आ गया था कि साथ नहीं आए तो दोनों डूब जाएंगे। और तीसरे नेता थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, वही जगदम्बिका पाल जो 2014 तक राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते थे और चुनाव का ऐलान होते ही नरेंद्र मोदी देश के सबसे अच्छे नेता उनको लगने लगे। उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और इस समय सांसद है और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। ये सब नेता मुलायम सिंह के साथ पहुंचे। उन्होंने नई सरकार के लिए दावा पेश किया, लेकिन दावा भी कमजोर था। राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने उनसे कहा कि आप 213 विधायकों की लिस्ट तो लेकर आइए। 213 की लिस्ट के लिए जरूरी था कि मुलायम सिंह यादव या तो बीजेपी या बीएसपी में तोड़फोड़ करें। जाहिर सी बात है कि पहलवान नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी को हाथ भी लगा पाएगा। ऐसे में तोड़फोड़ हुई बीएसपी में और उसके 1 दर्जन के आसपास विधायकों ने मुलायम सिंह यादव की सरकार के दावे का समर्थन कर दिया।
इसके बावजूद संविधान के हिसाब से तो गवर्नर को मुलायम सिंह यादव को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये एक दर्जन बसपा के विधायक दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य हो जाते यदि ये मुलायम सिंह यादव के साथ जाते। लेकिन राज्यपाल ने दिल्ली की सुनी, मुलायम सिंह को सरकार बनाने का न्योता मिला। उसके बाद बहुमत साबित करने के लिए 15-20 दिन का समय मिला। एक बार जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद बसपा में और भगदड़ शुरू हो गई और दल बदल विरोधी कानून को निष्फल करने के लिए जितने विधायकों की जरूरत थी वो आसानी से पूरा हो गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने साल 2007 तक यूपी में सरकार चलाई, लेकिन बीजेपी को अपने इस फैसले पर एक साल के भीतर ही अफसोस होने लगा था। बीजेपी का ये गणित था कि 2004 के लोकसभा चुनाव में जब पार्टी उतरेगी तो उसे सत्ता विरोधी रुझान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग मुलायम सिंह यादव के शासन से नाराज होंगे और इसका फायदा अब की बारी अटल बिहारी के नए संस्करण फिर से आ गई अटल बिहारी की बारी को मिल जाएगा। बीजेपी के रणनीतिकार गलत थे। लखनऊ में बैठे मुलायम सिंह यादव ने सत्ता तंत्र का इतना भरपूर इस्तेमाल किया और मुलायम सिंह की पार्टी ने पहली बार और इकलौती बार 30 का आंकड़ा पार किया। ये था वो एहसान जो बीजेपी ने मुलायम सिंह पर किया था, जो मुलायम सिंह की सियासत के लिए संजीवनी की तरह काम कर गया। 2007 तक चली मुलायम सिंह यादव की सरकार में यादव गुंडागर्दी चरम पर थी और यूपी एक भयानक अराजकता से गुजरा था, जिसको देखते हुए 2007 के यूपी इलेक्शंस में आरएसएस ने पीछे से मायावती का सपोर्ट किया और कई सारे ब्राह्मण विधायक बीएसपी से जीत कर आए और इन्हीं लोगों ने फिर बीएसपी को बर्बाद भी कर दिया। ये वाली कहानी फिर कभी मैं सुनाऊंगा। अब 2012 में जब यूपी में बीजेपी जो खुद तो कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने 2012 तक सत्ता में रही मायावती की पार्टी बीएसपी को बैकडोर से खोखला कर दिया था और बीएसपी के कमजोर होने के बाद मुलायम सिंह यादव 2012 में दोबारा चुनाव जीते और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव ने कद्दी संभाली और सीएम बनकर 2012 से 2017 तक यूपी की सरकार चलाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।